अभी तक आपने वाटर सप्लाई बिल चोरी करने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने कुएं से पानी चोरी होने की बात सुनी है? वो भी दो या चार बोतल नहीं, बल्कि पूरे 73,000 करोड़ की। नहीं ना, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये रियल स्टोरी। माया नगरी मुंबई से एक ऐसा वाक्या सामने आया है जिसे मायावी कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने शख्स के खिलाफ कुएं से ग्राउंड वाटर की चोरी करने के मामले में FIR दर्ज की है। कालबादेवी स्थित बोमांजी मास्टर लेन में बने पांड्या मेंशन के मालिक के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने पिछले 11 सालों में पानी के टैंकर वालों के साथ मिलकर करीब 73 करोड़ रुपए का पानी चुराया है। हाल ही में PM मोदी ने भूगर्भ जल के संरक्षण और संवर्धन की अपील की थी, इस लिहाज से ये केस और अहम हो गया है। हालांकि इससे पहले म्यूनिसिपल पानी के कनेक्शन से पानी चोरी के मामले तो सुने थे, लेकिन शायद ग्राउंड वाटर चोरी करने का ये पहला मामला है। पुलिस ने RTI एक्टिविस्ट सुरेश कुमार धोखा के मुहैया कराए गए सबूतों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। FIR में पांड्या मेंशन के मालिक त्रिपुरा प्रसाद, नानलाल पांड्या और उनकी कंपनी के दो डायरेक्टरों प्रकाश पांड्या और मनोज पांड्या पर आरोप है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से दो कुएं खुदवाए हैं। पुलिस के अनुसार पांड्या ने बाद में यहां पानी के दो पंप लगवाकर अवैध बिजली कनेक्शन से पानी निकाला और टैंकर के मालिक वो ऑपरेटर अरुण मिश्रा, श्रवण मिश्रा और धीरज मिश्रा की मदद से उसे बेचा। FIR में कहा गया कि साल 2006 से 2017 के बीच उन्होंने 73.19 करोड़ रुपए का ग्राउंड वाटर बेचा है। तो देखिए, आपने ये कहानी सुनने में थोड़ी अनोखी जरूर लगी है, लेकिन 16 आने सच है। फिलहाल केस दर्ज हो गया है, अब इस अनोखे मामले में क्या कार्रवाई होगी इससे हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। अब हो चला है आपसे विदा लेने का समय, आप बने रहिए प्राइम TV इंडिया के साथ।